हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू क्लास 8th चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो हेयर आंसर्स. नंबर 1 ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या उनकी एक सेल्ड बॉडी होती है? सो आंसर इज ट्रू, यस. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक सेल्ड बॉडी होती है. बी मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. सो आंसर इज मसल सेल जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं क्या? सो आंसर इज फॉल्स. सो मसल सेल आर नॉट ब्रांच्ड, दैट्स वेयर दिस इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट सी द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑर्गन होती है? सो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि किसी भी बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिट होती है वो सेल होती है. नेक्स्ट डी अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप. दिस इज ट्रू, अमीबा की कोई भी ट्रू शेप नहीं होती, वो इरेगुलर शेप होती है उसकी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म. यहाँ हमें ह्यूमन नर्व सेल का एक स्केच ड्रॉ करना है और उसके फंक्शंस को बताना है कि ह्यूमन नर्व सेल क्या फंक्शन करती है. सो हेयर आंसर इज ये, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्व सेल्स. लेबलिंग है सेल बॉडीज, न्यूक्लियस, डेंड्रिट, एक्सोन, ये नर्व सेल का डायग्राम है. हेयर फंक्शंस ऑफ नर्व सेल. द मेन फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज टू ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन एंड वाइस वर्सा. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? नर्व सेल ब्रेन के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करती है रिसेप्टर ऑर्गन, मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट से जो मैसेज जो सेंसेस जाती हैं उन सेंसेस के थ्रू ब्रेन जो ऑर्डर देता है उन ऑर्डर्स को, उन मैसेजेस को उस बॉडी पार्ट तक लेकर जाने का काम करती है. मीन्स वाइस वर्सा, मीन्स दोनों तरीके से काम करती है. कोई भी बॉडी पार्ट जो भी मैसेज भेजता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजता है, उसको ब्रेन तक लेके जाती है और फिर ब्रेन के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है. नाउ थर्ड राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. तो इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है. ए साइटोप्लाज्म. सो नंबर 1 साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट कंटेन आ द सेल ऑर्गेनल्स सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडी एक्सेट्रा. सो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसमें और भी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गॉल्जी बॉडी है, सभी सेल ऑर्गन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. नाउ बी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. सो हेयर आंसर द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. जो न्यूक्लियस होता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इट कंटेन द डीएनए जेनेटिक मटेरियल. और ये डीएनए को लेकर जाता है जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स को पास आउट करते हैं आने वाली फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन में. इट इज़ अ स्पैरिकल इन शेप. ये शेप में स्पैरिकल होता है. इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. और इसमें कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूसेलस, न्यूक्लियोप्लास्म, हेटरोक्रोमेटिन और यूरोक्रोमेटिन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस पोर्स. ये जो पोर्स होते हैं ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इन और आउट वेस्ट चीज़ों को आउट होने में हेल्प करते हैं. सो न्यूक्लियस कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूसेलस एंड क्रोमोसोम्स. नाउ नेक्स्ट फोर्थ विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल्स. कि जो सेल का कौन सा पार्ट सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है. सो आंसर इज साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन देम. हमें यहाँ पर एक एनिमल और प्लांट सेल्स का डायग्राम ड्रॉ करना है और उनके बीच में डिफरेंसेस भी बताने हैं. सो हेयर आंसर इज नंबर 1 डिफरेंसेस प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. प्लांट सेल्स दे आर लार्ज इन साइज, एनिमल सेल दे आर स्मॉलर देन प्लांट सेल. सेकेंड द सेल वॉल इज प्रेजेंट,
जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और द सेल वॉल इज एब्सेंट, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज. प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन एनिमल सेल एक्सेप्ट यूगलेना. यूगलेना एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल है, और बाकी अदर किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. नाउ हेयर प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर, दिस इज द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स. सो आंसर इज यूकैरियोटिक्स, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स. जो सेल्स होती हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और ऐसे इनके एग्जांपल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स किस किस में पाई जाती हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सभी में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक्स, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विद आउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और ये सेल्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल स्टेट देयर फंक्शंस. कि सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, मीन्स क्या क्या उनके कार्य होते हैं. नाउ आंसर इज क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस डैट कैरी जीन्स. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स को कैरी करने का काम करते हैं. ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर स्टोर्ड इन द जीन. जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चाइल्ड में ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सभी जीन्स में स्टोर रहते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स. और ये जो इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होना, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली क्रोमोसोम्स की वजह से ही पॉसिबल है. जैसे पेरेंट्स में, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग चाइल्ड में देखने के लिए मिलते हैं, ये ओनली क्रोमोसोम्स की वजह से ही पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन. जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन करिए. हेयर आंसर इज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन. जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये सभी लिविंग फंक्शन जितने भी होते हैं उनको करने में कैपेबल होती है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ये किसी भी लाइफ के स्टार्ट होने के एक बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक छोटी सी एक ब्लॉक का नीड होता है, एक ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से ये सेल भी किसी भी लिविंग लाइफ के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करती है. डैट इज द रीज़न वाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ब्लॉक ऑफ द लाइफ. तो यही रीज़न होता है कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ओनली प्लांट सेल्स में क्यों पाए जाते हैं. सो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्लास्टिड्स होते हैं, ये फूड मेकिंग प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, फोटोसिंथेसिस में, मीन्स फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं, एंड दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. और इसलिए ही ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अलावा किसी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है इसलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्ल्यूज गिवन ब्लो. तो यहाँ पर हमें क्रॉसवर्ड्स को कंप्लीट करना है. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लाइक दिस इज़ द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टर्म फॉर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एंड ग्रीन प्लास्टिड्स फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज. सो इन सभी के आंसर्स हेयर क्रॉसवर्ड है, ये गिविन है, इसमें फिल करने हैं. सो हेयर सॉल्यूशन क्रॉस में नंबर 1 में आएगा क्लोरोफिल. जो फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ नेसेसरी होता है वो क्लोरोफिल होता है. टर्म
फॉर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है? इसका आंसर है ऑर्गेनल एंड प्रोटोप्लाज्म जीन्स. ये सभी आंसर्स हैं जो यहाँ इस क्रॉसवर्ड में फिल किए गए हैं, हेयर इन दिस क्रॉसवर्ड. ये सभी आंसर्स दिए होंगे, अक्रॉस और डाउन दोनों ही के क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.